दोस्तों, खुद को अट्रैक्टिव और स्मार्ट कौन नहीं बनाना चाहता, लेकिन आपकी गलत आदतों को देखकर लगता है कि आप में खुद को अट्रैक्टिव बनाने की कोई चाहत ही नहीं बची है। अरे भाई, अगर वाकई में आप खुद में अट्रैक्टिवनेस लाना चाहते हो तो खुद पे थोड़ा काम तो करना ही होगा, कुछ अच्छी और मजेदार आदतों को फॉलो भी करना होगा। आज के इस वीडियो में आप अट्रैक्टिव फेस से रिलेटेड 5 बहुत ही काम की साइकोलॉजिकल बातें जानने वाले हैं, जिसे खुद न्यूरो साइंस ने साबित किया है। So feelers, be ready to feel the fact. Number 1, high carb diet. दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके चेहरे की खूबसूरती इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप किस तरह के फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट न्यूरोसाइंस की एक स्टडी में कुछ मेल्स को ज्यादा फैटी फूड दिया गया और कुछ लोगों को हेल्थी फूड खाने को कहा गया, और फिर आधे घंटे बाद उनकी लाइव तस्वीरें फीमेल्स के सामने रखी गई। अब यह इत्तेफाक था या हकीकत पता नहीं, लेकिन महिलाओं को उन लड़कों का चेहरा कम अट्रैक्टिव लगा जो हाई कार्ब वाले फूड कंज्यूम किए हुए थे, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, केक्स, कुकीज, सुगरी आइटम्स और ऑयली पोटैटो चिप्स। हालांकि ये बात जितना लड़कों पे लागू होता है उतना लड़कियों के लिए भी सही है, इसलिए आप हाई कार्ब वाले फूड से जितना हो सके दूरी बना के रखिए, क्योंकि ना सिर्फ ये आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये आपकी अट्रैक्टिवनेस भी आपसे छीन रहा है। आप अपने डाइट में ताजे फ्रूट्स और वेजिटेबल जरूर शामिल करिए। वैसे दोस्तों, सिर्फ अच्छी डाइट आपके चेहरे को रौनक नहीं दे सकती, इसके साथ आपको चाहिए होगा एक बेहतरीन फेस वॉश, जैसे कि मुश्टैक ओसेन फेस वॉश। इसमें मुलेटी के एक्सट्रैक्ट जो स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ाता है। दोस्तों, ये फेस वॉश स्पेशली मेल्स की टफ स्किन के लिए बनाई गई है। इसमें है मेंथॉल जो कि मुझे काफी रिफ्रेशिंग फीलिंग देता है। इसमें मौजूद सैलिसिलिक एसिड एक्ने और पिंपल से लड़ता है और फेस के ऑयल को कम करता है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, और इसीलिए ये ना सिर्फ मेरा फेवरेट है बल्कि फ्लिपकार्ट पे 1.5 लाख से ज्यादा इसके रिव्यू हैं। अभी ऑफर में मात्र 150 रुपए में आपको इसकी एक बोतल मिल जाएगी। इसे आप जेंटली पूरे फेस पे लगाइए, फिर अच्छे से वॉश कर लीजिए। ट्रस्ट में आपको इंस्टेंट ग्लो और फ्रेशनेस फील होगा। ऐसा लगता है कि स्किन अब सांस ले सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से इस फेस वॉश में मेल्स के लिए सब कुछ मौजूद है। आप एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखिए। ये 45 डेज तक आराम से चल सकता है। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इसे ऑर्डर करके एक बार यूज करके तो देखिए। नंबर 2, पिक्चर विद म्यूजिक। दोस्तों, आप अक्सर सोशल मीडिया में अपने सेल्फी या फोटो को पोस्ट करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्टर लगाने के अलावा आप अपनी फोटो में ऐसा और क्या करें कि आपका फेस दूसरों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे। वैसे न्यूरोसाइंस के पास इसका ऑलरेडी एक जवाब है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जाने अनजाने ये करते भी हों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने फोटो के साथ एक स्टिमुलेटिंग म्यूजिक लगाने का। दरअसल एक स्टडी में कुछ मेल्स की फोटो या कह लें सेल्फी पहले बिना किसी म्यूजिक के ही महिलाओं के सामने प्रस्तुत किया गया, और उनसे पूछा गया कि बताइए आप किस मेल को कितना अट्रैक्टिव मानती हैं और किसके साथ डेट पे जाना चाहेंगी। इसके बाद इन्हीं मेल्स की तस्वीर को एक अच्छे म्यूजिक के साथ इन्हीं महिलाओं को वापस दिखाया गया, और हुआ वही जिसका अंदाजा आपने लगा लिया है। जी हाँ, म्यूजिक लगते ही जो मेल्स इनके लिए कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं थे, अब वो भी बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। वैसे डार्विन ने एक बार कहा भी था कि म्यूजिक का जन्म सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से हुआ है। अब ये बात कितना सच है पता नहीं, लेकिन इस स्टडी का तो कुछ यही सारा है। तो क्या राय है दोस्तों, आज से आप अपनी फोटो पे कोई स्टिमुलेटिंग या कॉम्प्लेक्स म्यूजिक को तो लगाना चाहेंगे ना। नंबर 3, ट्रस्ट वर्थिनेस। दोस्तों, इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा फेस आपको ज्यादा भरोसेमंद और क्या वही फेस आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब आप माने या ना माने, आप में से ज्यादातर लोगों को राइट वाला हल्का स्माइलिंग फेस ज्यादा भरोसेमंद लगा होगा। हालांकि ये बात हमेशा सत्य नहीं होता कि ज्यादा ट्रस्ट वर्थी मेल्स ही फीमेल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ये कहना तभी उचित होगा जब वो फीमेल एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की चाहत रखती हो। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट वर्थी होना जरूरी नहीं है। तब के लिए आपकी मैस्कुलिन क्वालिटी जैसे कि डोमिनेट करने की पावर और कॉन्फिडेंस की ज्यादा डिमांड होती है। वैसे खुद की फोटो को ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए आप अपने फोरहेड के सेंटर पे आईब्रोज को थोड़ा ऊपर चढ़ाइए, हल्की स्माइल करिए, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव इमेज को शो करता है। नंबर 4, शेप ऑफ फेस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके चेहरे का शेप आपकी अट्रैक्टिवनेस को जज कर सकता है। जैसे कि जो फेस जितना ज्यादा सिमेट्रिक होता है, यानी कि फेस के बीचों बीच अगर एक ऐसी लाइन खींचे तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का पार्ट बिल्कुल सेम दिखे। सिमेट्री के अलावा फीमेल्स के फेस की बात करें तो उनका बेबी लाइक फेस जैसे कि आंखें और लिप्स की साइज मोर देन एवरेज हो तो लड़कों को ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि बेबी लाइक फीचर्स कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा होता है कि सामने वाली फीमेल में यूथनेस ज्यादा है, इसलिए ये बाकियों से ज्यादा फर्टाइल हो सकती है। अगर बात करें मेल्स के फेस की तो वाइड जॉज और प्रॉपर ग्रूमिंग आपकी मैस्कुलिनिटी का प्रचार करती है। इस स्टडी में ये भी देखा गया है कि नॉर्मल साइज की नोज, ईयर और लिप्स ज्यादा अट्रैक्टिव माने जाते हैं। नंबर 5, मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन एक पावरफुल स्ट्रेस बूस्टर की तरह काम करता है। ये आपके दिमाग को शांत रखकर कॉर्टिसोल लेवल को कम कर देता है, जिससे स्किन रिलेटेड इश्यूज नहीं
नहीं होते। आपने कई डीप मेडिटेटर्स के वीडियोस और फोटोज को देखे होंगे, जैसे कि बी के सिवानी। इन लोगों के चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है और उसका कारण है डीप मेडिटेशन। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आज से आप कुछ नहीं तो डीप मेडिटेशन और अच्छी डाइट को जरूर फॉलो करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।